एक ऐसा एनिमे जो अपने एनिमेशन से ज्यादा साउंड इफेक्ट के चक्कर में पॉपुलर है। देखो इस एनिमे को जब मैंने देखा था ना भाई, मेरे खुद की आत्मा अंदर तक से जल गई थी। मैं देखते टाइम भाई इतना ज़्यादा खो गया था कि मेरा खुद का कल एग्जाम था, लेकिन ना भाई मेरे नॉर्मली एग्जाम था, एंट्रेंस एग्जाम था कॉलेज के मेरा, लेकिन उस एग्जाम को छोड़ के मैंने इस एनिमे को देखा था। मैं नॉर्मली बैठ गया था उसको देखने, लेकिन जब मैंने इसको देखा, और पहली बार तो इसका हिंदी डब अवेलेबल है तो मैं इसको हिंदी डब में ही देखा था, तो हिंदी डब देखते टाइम तो भाई और ज़्यादा मज़ा आ गया था। और मेरी बात करते इसका साउंड इफेक्ट, भाई एनिमेशन देखा जाए तो उसको मैं 10 में से इसके एनिमेशन को मैं 8 की रेटिंग करूँगा, लेकिन जो साउंड है भाई, मैंने इतने सारे एनिमेशन देखे हैं, मैंने इतने सारे एनिमे देखे हैं, इतनी सारी सीरीज देखी है, लेकिन भाई इस एनिमे का जो साउंड इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। 10 में से मैं 11 रेटिंग करूँगा भाई। कसम से इसका जो साउंड इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एक तो हिंदी डब में अवेलेबल है तो मुझे सबटाइटल पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हुई थी। देखो मेनली बात करते हैं इसके कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर से पहले बात करता हूँ। देखो इसको IMDb पे ना 7.6 की रेटिंग मिली है। इसमें कि हम कैरेक्टर्स की बात करें तो देखो सबसे पहले आता है मेन कैरेक्टर जो है शिनरा। देखो शिनरा एक बच्चा होता है, मतलब ज़्यादा बात करें इसकी एज हमें एनिमे के अंदर है ना 12 से 14 साल की दिखाई गई है। ये अब होता है ना, इसके पास स्पेशली पावर ये है कि इसके पैरों से निकलती है फायर, मतलब आग निकलती है इसकी पैरों की। और मैं आपको ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। देखो हमें जितने भी मेन कैरेक्टर्स देखे हैं वो ज़्यादा कुछ इतने कॉन्फिडेंस से नहीं दिखते हैं। मेनली देखो इस जो मेन कैरेक्टर है इसकी भाई मुझे स्माइल इस एनिमे के अंदर देखा है, इस बंदे की भाई स्माइल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है भाई। जब भी ये हंसता है, देखो कहने को ये है ना एक हीरो है, लेकिन एनिमे के अंदर इसको लोग ना डीमन बोलते हैं, डेविल बोलते हैं। उसकी जो स्माइल, मतलब कितना ही गुस्सा हो या खुश हो या कुछ भी हो, ये बिल्कुल राक्षस की तरह हंसता। तो भाई इसकी स्माइल देखो या तो मुझे मेनली पसंद आई है। और मेनली बात करते हैं इसकी साइड कैरेक्टर्स की, देखो ये तो हो गया मेन कैरेक्टर। और साइड कैरेक्टर की बात करें तो भाई उसका जो गर्ल दिखा गई तमाकी, भाई उसका लक की तो बात ही अलग करते हैं भाई। इस लड़की का लक तो भाई कसम से, इस टाइप की लड़की मुझे भी चाहिए। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। और मैं ये बात करते हैं देखो इसके साइड कैरेक्टर, जैसे नारुतो के पास सास्के इसका भी एक दोस्त होता है, इसका नाम है आर्थर। वो है ना तलवारबाजी करता है, वो खुद को नाइट किंग बोलता है, नॉर्मली चलता रहता है। लेकिन इसका नाम देखने को मिलता है एक एंटी विलन, जैसा हमें इताची उचिया देखने को मिलता है नारुतो के अंदर, वैसे इसी एनिमे सीरीज का नाम देखने को मिलता है एक जोकर। देखो इसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता, शायद मैं इताची का बोल के शायद गलत कंपेयर कर लिया। लेकिन मेनली बात करें देखो ये जोकर है ना भाई, इसके बारे में ही मुझे पूरा जानना है कि इसका क्या है भाई। इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है, लेकिन ये भाई मेन विलन भी नहीं है और हीरो भी नहीं है। ये शिनरा को परेशान भी करता है, उसको मारने की कोशिश भी करता है, उसको बाद में बचाता भी है। तो क्या स्टोरी है इसके लिए भाई, जो पूरा एनिमे खत्म होगा मैं तभी इसको बता पाऊंगा, तो पूरी स्टोरी मुझे नहीं पता भाई। इस एनिमे को मैंने पूरा साउंड इफेक्ट के चक्कर में देखा है। देखो अब मैं मेनली बात करते हैं स्टोरी के बारे में। स्टोरी में आपको ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँ, मेनली आपको बता देता हूँ स्टोरी वाइज। देखो जो है ना शिनरा रहता है, उसकी जो मम्मी और भाई के साथ ही रहता था, छोटा था ये काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसके घर में लग जाती है आग। उसके अंदर इसकी मम्मी और इसका जो छोटा भाई रहता है वो पूरे तरीके से जल जाते हैं। लोग इससे बोलते हैं कि भाई तुमने ही लगाई थी वो आग, तुमसे ही लगी थी, क्योंकि इनके जो वर्ल्ड है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग है ना जलते हैं अपने आप। एक टाइप के ना क्या होता है, आप ऑटोमेटिक जलने लगते हैं और जलने के बाद बन जाते हैं राक्षस। मतलब इंसान रहता है पूरे जलने के बाद एक राक्षस बन जाता है, उनको बोलते हैं इन्फर्नल्स। वो है ना जो फायर फोर्स का काम है इन्फर्नल्स को शांत करना है, वो शांत करने के बाद इनको अपनी आत्मा से मुक्त कराते हैं और इन्फर्नल्स को मारते हैं। यही चीज हमें देखने को मिलती है। लेकिन शिनरा वो चाहता है कि वो जानना चाहता है कि उसकी घर वाले कैसे जले थे, इस चक्कर में बनना चाहता है हीरो, वो सबको बताना चाहता है कि उसकी माँ को उसने वो नहीं मारा था। इसी टाइप से हमें एनिमे की स्टोरी देखने को मिलती है। आपको फुल्ली सजेशन करता हूँ, अभी तक आपने इस एनिमे को नहीं देखा तो क्रंचीरोल पर अवेलेबल है और हिंदी डब में भी है साथ में। तो देखो प्लस पॉइंट है, सबटाइटल नहीं पढ़ना पड़ेंगे, आपको हिंदी डब में भी देख सकते हो। देखो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।